नमस्कार, मैं निरुपमा अग्रवाल राघव कलर्स पेस्ट की साई रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक और चटपटी सी चटनी, और ये है हमारी शिमला मिर्च हरी धनिया की खट्टी मीठी चटनी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, बड़ा बाउल हरा धनिया जो मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, दो तीन हरी मिर्च, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, ये आधी शिमला मिर्च है इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और ये चाट मसाला है, ये काला नमक, ये सफ़ेद नमक है, एक चम्मच चीनी है छोटी चम्मच, आधा चम्मच जीरा है, और ये मैंने एक चम्मच रोस्टेड मूंगफली ली है, और ये हींग है, एक नींबू का रस है। इसे सबसे पहले हम धनिये को मिक्सी के जार में डालेंगे, धो के अच्छे से साफ कर लीजिए, थोड़ा किसकिसापन होता है तो स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये अदरक भी डालते हैं इसमें, और इसमें डालूंगी मैं ये मूंगफली और ये कैप्सिकम के टुकड़े, और अब मैं डालूंगी इसमें 1/4 चम्मच ही जीरा, और ये एक चम्मच चीनी, एक छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, एक छोटी चम्मच ही काला नमक, काले नमक से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, और ये डालूंगी मैं इसमें चाट मसाला, और अब डालेंगे फाइनली हम इसमें नींबू का रस, थोड़ा सा पानी आवश्यकता अनुसार हम डालेंगे, और अब इसे ग्राइंड करूंगी मैं मिक्सी में। हमने सभी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, चलिए देखते हैं चटनी बनके तैयार है हमारी। वाह, बहुत ही मज़ेदार और अच्छी चटनी बनके तैयार है, और टैंगी सा टेस्ट आता है इसका, इसको ज़रूर ट्राई करिए एक बार घर में। और कभी कभी ये होता है नींबू अवेलेबल नहीं है तो अमचूर भी आप डाल के इसे बना सकते हैं। देखिए बहुत मैंने डिश आउट किया है इसको, बहुत ही यमी और डिलीशियस सी चटनी, चटपटा सा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट है। देखिए दोस्तों, ये मेरी हरे धनिया शिमला मिर्च की चटपटी सी खट्टी मीठी चटनी तैयार है बनके, और इसको खाइए, बनाइए, और किसी भी स्नैक्स, नमकीन पकौड़े, सैंडविचेस वगैरह के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।